युवक की हत्या कर पुलिस को चैलेंज करने वाला आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है। बीते दिनों एक युवक की हत्या कर दी गई थी। घटना पर पुलिस को एक नोट भी मिला था जिसमें किसी दूसरे व्यक्ति की हत्या की बात की गई थी, जिसके बाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपी की तलाश में जुट गई। साथ ही किसी दूसरी अप्रिय घटना को टाला जा सके इसके लिए पुलिस के आला अधिकारी अपने सभी घोड़े आरोपी को पकड़ने के लिए छोड़ दिए, जिसके बाद पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनमें से मुख्य आरोपी नाबालिग है। वहीं तीनों आरोपी मुंगेली जिले के रहने वाले हैं। पुलिस ने बताया कि बीते दिनों नवागढ़ थाना के खैरी में हुई हत्या लव ट्रायंगल के चलते हुई है। आरोपी से पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल चाकू और मोबाइल जब्त किया है। वहीं आरोपियों के खिलाफ IPC की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। हमारा नाम बच नहीं है, लेकिन थाना कल सुबह नवागढ़ थाना खैरी गांव में एक अज्ञात शव मिला है, जिसके बारे में शिनाख्त नहीं हो पाई। तो उसके हाथ पे जो नाम लिखा है आनंद करके, उसी आधार पर और घटनास्थल पर एक पर्ची मिला है जिसमें महेश निषाद के नाम से सुपारी देने के नाम का उसमें जिक्र किया गया है। इन दोनों चीज़ों को लिंक करके आसपास के जो फुटेज है और साइबर टावर सेलफोन टावर्स के एनालिसिस के आधार पर हमें ये नतीजे से पहुँचे हैं कि जिसने मारा है वो इस महेश निषाद से कुछ कहीं तो कनेक्टेड है।